नमस्कार, स्वागत है आपका सतहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, तो अगर आपको ध्यान हो तो LJP ने कहा था कि वो अकेले लड़ाई लड़ेगा, यानी कि BJP के साथ नहीं लड़ेगा, क्योंकि उनका जो गठबंधन है BJP के साथ वो राष्ट्रीय स्तर पर है और राज्य के स्तर पर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी की जो रणनीति थी BJP के साथ जो उन्होंने मिलकर बनाई थी, तो उसमें ये देखा गया था कि LJP का जो पूरा कैंपेन है वो प्रो BJP और एंटी नीतीश था। यानी कि जो पूरा उद्देश्य था वो ये था कि नीतीश कुमार को कमजोर करो लेकिन BJP को समर्थन देते रहो। अगर आपको याद हो तो इस समय लोक जनशक्ति पार्टी का नारा भी था कि मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। क्या हुआ, चुनाव के बाद JDU की जो सीटें थी वो बहुत कम हो गई और बहुत ज्यादा नुकसान JDU को झेलना पड़ा और LJP की भी सिर्फ एक ही सीट आई जिस पर उनका उम्मीदवार जीत कर आया था, लेकिन जो उनका वोट शेयर था वो थोड़ा सा बढ़ा। और अब जबकि लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई है, उसके दो हिस्से हो गए हैं, क्योंकि जो चिराग पासवान के जो चाचा हैं पशुपति पारस, वो 5 MPs को यानी कि 5 सांसदों को लेकर वो अलग हो गए हैं और इस समय चिराग पासवान जो अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हुए फिर रहे थे, आज वो अलग थलग पड़ गए हैं। और अलग थलग पड़ने के बाद वो लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और अपनी मन की व्यथा को लोगों से प्रकट कर रहे हैं और इस बात से वो खासे नाराज हैं कि जो LJP की जो इस समय अंदरूनी कलह चल रही है चाचा और भतीजे के बीच में, तो उस पर BJP की जो चुप्पी है वो चिराग पासवान को परेशान कर रही है। और चिराग पासवान ने अपने एक इंटरव्यू में, जो अभी उन्होंने इंटरव्यू दिया है इंडियन एक्सप्रेस को, तो उसमें उन्होंने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका भरोसा है लेकिन ये भरोसा एक तरफा नहीं हो सकता है। लेकिन इसके अलावा जो एक बड़ी बात चिराग पासवान ने एक तरीके से कही है जिससे कि BJP की रणनीति का खुलासा होता है, वो मैं अब आपको एक एक करके बताती हूँ। और वो जो सारी बातें चुनाव के दौरान जितने चुनाव के विश्लेषक थे वो इस बात को लगातार कह रहे थे कि LJP और BJP के बीच में एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, चिराग पासवान को BJP प्लांट कर रही है। ये तमाम तरीके की बातें उस समय हो रही थी चुनाव के दौरान कि BJP ने चिराग पासवान को प्लांट किया है ताकि नीतीश कुमार को कमजोर कर सके, ताकि नीतीश कुमार की जो पार्टी है JDU उसकी कम सीटें आए। तो ये जो सारी बातें हो रही थी आज वो सारी बातें सच साबित हो रही हैं। खासकर जो चिराग पासवान ने इंडियन एक्सप्रेस को जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कई बातें कही हैं, अब एक एक करके आपको बताती हूँ। पहला जो चिराग पासवान का पॉइंट है उसमें उन्होंने कहा है कि NDA से बाहर जाकर अकेले बिहार विधानसभा के चुनाव में लड़ाई लड़ने का जो फैसला था वो BJP के साथ अच्छे ढंग से बातचीत के बाद उन्होंने लिया है। और ये और इस बात को उन्होंने बिल्कुल खुले शब्दों में कहा है। इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि उस मीटिंग में BL संतोष, JP नड्डा, अमित शाह जो गृहमंत्री हैं वो भी उसमें मौजूद थे और उस मीटिंग में LJP को केवल 15 सीटें दे रहा था NDA। तो इस बात को उन्होंने कहा कि LJP खाली 15 सीटें तो नहीं लड़ेगा और उस समय NDA उनको 15 सीटें ही लड़वाना चाह रहा था। तो उन्होंने कहा है, इसलिए LJP ने कहा कि वो राज्य के स्तर पर यानी कि जो स्टेट लेवल पर उनका कोई अलायंस नहीं है वो अकेले लड़ेंगे और JDU की जो सीटें हैं वहां पर जो लड़ाई होगी उसमें भी LJP के कैंडिडेट्स होंगे, JDU को कमजोर किस तरीके से करेगी। तो ये सारी बातें BJP से बातचीत के बाद हुई हैं और ये सारी बातें जब विश्लेषक बात कर रहे थे तो BJP के लोग, LJP के लोग इन सारी बातों का खंडन कर रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं है। उल्टा BJP के लोग क्या कह रहे थे, BJP के लोग LJP को वोट कटुआ कह रहे थे, यानी कि वो वोट काटने का काम ये पार्टी कर रही है।
तो जो जेडीयू को काफी चोट पहुंची थी, तो अब ऐसा लग रहा है कि जेडीयू को जो चोट पहुंची थी, अब जबकि एलजेपी बिल्कुल टूट गई है, तो अब जाके उनको आराम मिला है। लेकिन इस इंटरव्यू में जो चिराग पासवान का ये कहना कि उनकी अकेले बिहार युद्ध लड़ना, ताकि एलजेपी अकेले लड़ेगी और जेडीयू की जो सीटें हैं वहां पर एलजेपी लड़ेगी, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो चिराग पासवान की पार्टी थी उसने ये फैसला लिया कि वो केवल 6 सीटों पर बीजेपी के ऑपोजिट लड़ेगा और अपने उम्मीदवार वो और कहीं भी बीजेपी के खिलाफ नहीं खड़ा करेगा। तो ये सारी बातें चिराग पासवान ने इस इंटरव्यू में कही है। इसके अलावा चिराग पासवान ने यह भी कहा कि 135 सीटों पर एलजेपी विधानसभा चुनाव को लड़ी थी और उससे एलजेपी का विस्तार हुआ, लेकिन अगर एलजेपी 243 सीटों पर लड़ती तो चिराग पासवान का कहना है कि आज राजनीतिक हवा यानी कि जो सरकार है वो किसी और की रही होती। तो इशारों इशारों में बिल्कुल उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि अगर 243 सीटों पर एलजेपी लड़ाई लड़ती तो फिर नीतीश की सरकार बनना या बीजेपी के ज्यादा नंबर्स आना मुश्किल हो जाता। और उन्होंने फिर से कहा चिराग पासवान ने कि बीजेपी उनको मोदी के ऊपर भरोसा है, लेकिन ये भरोसा एक तरफा नहीं हो सकता है। और चिराग ने साथ में बीजेपी आलाकमान को यह भी याद दिलाया कि जब नीतीश ने एनडीए को छोड़ा था तो लोक जनशक्ति पार्टी ही उनके साथ खड़ी थी। ये सारी बातें तब हो रही हैं जब बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी में, क्योंकि पशुपति पारस जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं, उनका बेटा प्रिंस राज और साथ में 3 और सांसद हैं, वीना देवी, चंदन सिंह और महबूब अली, ये लोग उन्होंने अपना एक अलग दल बनाने की कोशिश की है, एलजेपी को तोड़ने की कोशिश किया है, जिसके बाद चिराग ने इन सारे जो 5 सांसद हैं उनको निलंबित भी कर दिया है और संसदीय दल का नेता पशुपति पारस अपने आप को बता रहे हैं। तो अब ये लड़ाई चुनाव आयोग में और कोर्ट में तो लड़ी जाएगी, लेकिन जिस तरीके से बिहार की राजनीति के जो समीकरण है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे साफ इस समय दिख रहा है कि बीजेपी ने जेडीयू के साथ विश्वासघात किया है और अब जेडीयू ने जो दांव खेला है यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़कर अब वो वापस एनडीए के करीब आना चाहती है, तो ये एक तिकड़मबाजी की जो राजनीति है, विश्वासघात की राजनीति है, ये यहां पर साफ देखने को मिल रही है। यानी कि जो पॉलिटिकल गेम है दोनों नीतीश कुमार का और साथ में बीजेपी का, दोनों एक दूसरे के पॉलिटिकल गेम से अब वाकिफ हो चुके हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि नीतीश कुमार अभी जब दिल्ली आए थे तो जो कैबिनेट रिशफल की बात आ रही है, कैबिनेट का फेरबदल जो होगा उसमें ये कहा जा रहा है कि जेडीयू को भी एक पोर्टफोलियो मिलेगा, और ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी कि जो पशुपति पारस हैं उनको नीतीश कुमार ने एक आश्वासन दिया है कि उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो अगर पशुपति पारस को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो ये गेम बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार पशुपति पारस को एलजेपी को तोड़ने के लिए तोहफा उन्होंने दिया है। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरीके से राजनीति का स्तर बिहार में गिरता जा रहा है, और खासकर अगर हम बीजेपी और नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ऐसा लग रहा है कि बिहार के विकास को दांव पर लगा दिया है। उनको ये देखना है कि जो उनकी सेल्फिश राजनीति है वो आगे कैसे बढ़ेगी, वो कहीं परास्त ना हो जाए अपने आप को आगे रखने के लिए। बिहार का विकास ऐसा लग रहा है कि पीछे छूट गया है और इस समय विश्वासघात, कुठाराघात और जो एक अजीब सी राजनीति जो नजर आ रही है जिसमें कि कोई नैतिकता नहीं है, संवैधानिक नैतिकता की हम बात करते हैं, वो सारी चीजें बिहार की इस राजनीति में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने नीतीश कुमार को कमजोर किया, नीतीश कुमार ने एलजेपी को कमजोर किया यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा और उसको कमजोर किया। लेकिन फायदा यहां पर किसका हुआ? चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए, उनकी पार्टी में ना वो एनडीए में है और ना ही उनकी पार्टी में उनको कोई ऐसी बहुत
सम्मानजनक जगह मिल रही है। लेकिन रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार एक तरीके से इस बाजी को मार ले गए हैं। लेकिन अब लॉन्ग टर्म में बिहार की राजनीति में कैसे समीकरण बदलते हैं वो देखना होगा। जैसे मैंने कहा कि दोनों एक दूसरे की राजनीति से, बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे की राजनीति से वाकिफ हैं, दोनों में भरोसे की कमी है, लेकिन फिर भी वो एक साथ आए हैं। तो आप इसे मौका परस्त राजनीति नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। यू पैट माई बैक एंड आई पैट योर्स, एक कहावत है अंग्रेजी में, तो ये उसी का उदाहरण है किस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी को कमजोर करके नीतीश कुमार ने अपनी जो पार्टी को कमजोर किया था चिराग पासवान ने, उसका बदला तो ले लिया, लेकिन अब वो जो उनका लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो क्या होगी। लेकिन एक बात जो यहां पर और भी गौर करने की है कि अगर जेडीयू को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है और अगर उनको कोई कैबिनेट पोर्टफोलियो मिलता है तो क्या गारंटी है कि जेडीयू को पूरा फ्रीडम दिया जाएगा कि अपनी मनमर्जी से वो मंत्री जो मंत्रालय है वो उसको चलाएं। क्योंकि जेडीयू को भी इस बात का पता है कि बीजेपी जब चाहे तो जेडीयू के पर काट सकती है, और बीजेपी को भी पता है इस बात का कि जेडीयू जब चाहे तो बीजेपी के पर भी काट सकती है। तो ऐसे में दोनों एक दूसरे के साथ तो हैं, लेकिन भरोसे की बहुत ज्यादा कमी है। यदि चिराग पासवान की बात सच है तो फिर यह तो भाजपा नेतृत्व पर दोहरा सवाल खड़ा करता है। पहला कि उसने सुनियोजित तरीके से चुनाव के वक्त जदयू के साथ विश्वासघात किया, जानबूझकर जदयू की परिस्थिति को चुनाव में बुरा बनाने के लिए चिराग पासवान या लोजपा का इस्तेमाल किया। दूसरा, मतलब निकल जाने के बाद आज जब चिराग पासवान मुसीबत में हैं, आज जब वो खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान बता रहे हैं और चिराग पासवान को भाजपा या प्रधानमंत्री के मदद की सख्त जरूरत है, तब उसकी तरफ से कुछ भी मदद ना होना, तो यह तो बिल्कुल ही राजनीति के जो वर्तमान स्तर की बात है वो बहुत ही नीचे स्तर की हो गई। चिराग पासवान अगर झूठ बोल रहे हैं तो भाजपा नेतृत्व को इसका खंडन करना चाहिए, उसे स्पष्ट करना चाहिए कि नहीं, चिराग पासवान से उसकी कोई साठगांठ नहीं थी, चिराग पासवान झूठ बोल रहे हैं, यह लोजपा की आंतरिक मामला है। लेकिन अगर चिराग पासवान सच बोल रहे हैं तो फिर तो चिराग पासवान को बलि का बकरा बनाया गया, और यह चिराग पासवान की बेवकूफी थी कि उसने बिना दूर के नफा नुकसान का कैलकुलेशन किए वो भाजपा की बात में आ गए, उनकी चाल में आ गए। आज ना वो एनडीए में है और ना ही उनकी पार्टी पर उनका ठीक से नियंत्रण है। लेकिन इस बीच क्या हुआ है, इस बीच जो आज खबरें आई हैं कि तेजस्वी यादव ने एक ऑफर दिया है चिराग पासवान को और कहा है कि आप चाहें तो आप आरजेडी यानी कि जो महागठबंधन है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को क ख ग की जो राजनीति का क ख ग है वो नहीं पता, उन्हें ये भी नहीं पता है कि कोरोना ग्रसित बिहार की क्या हालत है और जिस तरीके की तोड़ जोड़ तोड़ की जो राजनीति में लगे हैं, अगर उन्होंने ध्यान दिया होता तो आज बिहार की हालत ये नहीं होती। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि चिराग पासवान को उन्होंने ऑफर तो दिया, लेकिन साथ में उन्होंने गेंद चिराग पासवान के पाले में डाल दी और कहा कि अब चिराग पासवान को इस बात को तय करना होगा कि उन्हें किसके साथ जाना है, उन्हें क्या संविधान बनाने वालों के साथ जाना है या फिर जो आरएसएस की बनाई हुई जो थॉट प्रोसेस है उसके साथ जाना है। तो इन सारी बातों में एक नया संकेत दिया है चिराग पासवान को। और साथ में तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि लालू यादव ने चिराग पासवान के जो पिताजी हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को राज्यसभा सांसद तब बनाया था 2010 में जब लोक जनशक्ति पार्टी का एक भी एमएलए या एमपी नहीं था, और नीतीश कुमार हमेशा से जोड़ तोड़ की राजनीति करते हुए आए हैं। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने 2005 और 2010 में भी एलजेपी को तोड़ने की कोशिश की थी। तो ये सारी बातें चिराग पासवान को पता होनी चाहिए, इस बात की याद दिलाई है तेजस्वी यादव ने। लेकिन इस जोड़ तोड़ की राजनीति में जैसा मैंने कहा कि भरोसे की कमी है, लेकिन एक मौका परस्त राजनीति का उदाहरण यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। यहां पर बदले की भावना से नीतीश कुमार ने अपना जो मतलब है वो साध लिया,
अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्या जेडीयू को जगह मिलती है या नहीं मिलती, अगर मिलती है तो किस तरीके से बीजेपी और जेडीयू के बीच में रिश्ते होंगे, उनकी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो क्या होगी इस भरोसे की कमी में, यानी कि जब भरोसा नहीं होता तो वो लॉन्ग टर्म प्लेज नहीं कहलाते हैं, और जब लॉन्ग टर्म प्लेज नहीं होंगे तो हो सकता है कि 2024 के आम चुनाव आते आते हो सकता है कि जेडीयू और बीजेपी फिर से अलग अलग दिशा में चले जाए। यानी कि चिराग पासवान का तो जो यहाँ पर नुकसान हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन जो लोग नीतीश कुमार को कमजोर नेता कह रहे थे, आज उन्होंने अपनी तिकड़मबाजी की राजनीति से बाजी मार ली है। इस वीडियो के बारे में आपको क्या कहना है जरूर बताइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी को भुगतान करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें, इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर पर सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @neeluonthemove। तो देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी के साथ। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।